मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने ये बैंगन लिए हैं और इसको आपको ऐसे कट करना है इस तरीके से, और इसे पानी में डुबा के रखना है सॉल्ट डाल के। मैंने इसे पानी में डिप करके रखा है। और उसके बाद जो मसाला बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए प्याज, उसके बाद गार्लिक और जिंजर। तो सबसे पहले जो है हम मसाला बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है गरम करने के लिए, उसके उसमें जो है मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसमें प्याज जो है हम अच्छे से पहले भून लेंगे और तिल ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा जीरा, तो अभी ये प्याज और तिल जो है ये अच्छे से भून गए हैं। अभी इसमें मैं लहसुन और अदरक डालूंगी। और अभी इस टाइम पे मैं गैस ऑफ कर दूंगी और अभी इसे कूल डाउन होने देंगे। तो अभी मिक्सी के पॉट में ये सारी चीज़ें डाल देंगे। इसी में मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे, 2 स्पून। सॉल्ट, थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो अभी इसकी जो है मैं पेस्ट बना लूंगी। अभी मैंने इसकी पेस्ट बना ली है और फाइन पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ी सी दरदरी भी रही तो चलता है। और अभी जो है ये हम स्टफिंग इसके अंदर भरेंगे, बैंगन के अंदर। तो ये सारे बैंगन में मैंने मसाला भर दिया है और यहाँ पे मैंने साथ में ऑयल भी रख दिया था गरम होने के लिए। और मैं ये कुकर में बना रही हूँ क्योंकि कुकर में ये जल्दी बनता है और ऑयल भी कम लगता है। और ये गरम भी हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी, थोड़ी सी राई और हींग। इसके बाद हम इसमें 1 by 1 सारे बैंगन डाल देंगे। तो इसमें मैंने सारे बैंगन डाल दिए हैं, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। एंड अगेन मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। इसे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे। तो अभी 2-3 मिनट्स हो गए हैं, इसमें अच्छे से स्टीम आ गई है, इनका कवर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी जो मसाला बचा था उसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है और वो अभी इसमें ऐड कर दूंगी मैं।
अभी जो है इसे हम कवर कर देंगे प्लेट से, और अभी एक इसकी सिट्टी आने देंगे। एक सिट्टी आने के बाद इसे बंद करना है एंड इसे फिर कूल डाउन होने देना है। बस जो है मैं ऑफ कर दूंगी और अभी इसे कूल डाउन होने देंगे। अगर आपके बैंगन सॉफ्ट होंगे तो वो एक ही सिटी में पक जाते हैं, अगर नहीं होंगे तो आप इसके उसको दोबारा भी पका सकते हो। फ्रेंड्स, मेरी बैंगन की सब्जी जो है रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं इसका कलर। और ये मसाला बैंगन जो है ये रोटी के साथ भी अच्छा लगता है और सादा राइस के साथ भी। तो ये बन गई है हमारी मसाला बैंगन, जो खाने में बहुत ही यम्मी होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ में मुझे राइस भी पसंद है और रोटी भी।